बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर टू अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीत लें। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? नेहरू, कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से आजादी मिलनी होती तो तब मिल गई होती जब ये आंदोलन चलाए गए थे। सारे आंदोलन 1942 तक खत्म हो चुके थे। द्वितीय महाविश्व युद्ध जीतने के बाद भी अंग्रेजों से यह गलती हो गई कि उन्होंने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर राजद्रोह का मुकदमा रंगून में चलाने की बजाय लाल किले में चलाया। जब शाहनवाज, ढिल्लन और सहगल को फांसी की सजा सुनाई गई तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आ गया। आगरा और झांसी में पर्चे बंटवा दिए गए कि यदि आजाद हिंद फौज के एक भी सिपाही का बाल भी बाका किया गया तो अंग्रेजों का कत्ले आम कर दिया जाएगा। यही हुआ भी। 18 फरवरी 1946 को बंबई के बंदरगाह में खड़े तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 3 घंटे की लड़ाई में करीब 700 अंग्रेज कत्ल कर दिए गए। उस समय जनरल ओचिन लेक ने बरतानिया सरकार को लिखा कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम हिंदुस्तान छोड़ दें या हमें हिंदुस्तान से खदेड़ दिया जाए। हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विश्वास खत्म हो जाने के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जून 1948 से पहले भारत को छोड़ने का आदेश दे दिया। अंग्रेज कितनी जल्दी में रहे होंगे कि वो अगस्त 1947 में ही वापस जाने को तैयार हो गए। यह सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहाड़ जैसे साहस, दूरदर्शिता, धवल चरित्र और निष्कलंक देशभक्ति के कारण हुआ। जय हिंद।